माई डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम इन दिस ऑनलाइन क्लास। आई नो वी आर रीडिंग स्टोरी पार्ट एंड इन दिस स्टोरी पार्ट वी आर रीडिंग द स्टोरी द मैजिक वायलिन एंड हाफ ऑफ द स्टोरी वी हैव कम्प्लीटेड एंड टुडे वी विल स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रिमेनिंग पार्ट वी विल गो बैक। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपको पता कि हम कहानी बाग पढ़ रहे हैं और उसमें हम मैजिक वायलिन जादुई सरंगी नामक कहानी का हमने अध्ययन किया था, और इस लेक्चर में हम जो बाकी का भाग बचा है उसका अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा हम पीछे बताएंगे भी क्या पढ़ा था हमने। जो नए हैं स्टूडेंट उनके लिए भी इस स्टोरी में हमने पहले क्या पढ़ा था। क्या होता है कि ये स्टोरी एक अनाथ लड़की की कहानी है। उसके माँ बाप जो छोटी उम्र में चल बसते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी खुद की किस्मत आजमाने के लिए, तलाश करने के लिए, काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसको कहीं भी काम नहीं मिलता, लेकिन आखिर में क्या करता है, वो एक किसान के फार्म हाउस में पहुँचता है। यानी कि उसका मेल एक किसान से होता है और किसान उसको काम देता है। काम क्या होता है, बकरियां चराने का होता है। वो 3 साल तक लगातार वो काम करता है, बकरियां पहाड़ी पर लेके जाता है चराने के लिए, लेकिन वो 3 साल के अंत में वो उकता जाता है, क्योंकि वो सुबह जाता है शाम को आता है, लेकिन घर में उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता है। सिर्फ कौन होता है, बूढ़ा किसान। वो बूढ़े किसान के साथ वो क्या बात करे, क्योंकि वो एक छोटा था, उसको भी एक हम उम्र बच्चा था, ये था खेलने के लिए। तो वो क्या कहता है, एक दिन कहता है कि मुझे ये काम छोड़ना है, मुझे जाना है, तो मुझे तुम मेहनताना दे दो। तो इस पे क्या करता है, जो किसान होता है वो भड़क उठता है। वो कहता है कि मैंने तेरे से ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो लड़का कहता है कि कोई भी बिना किसी स्वार्थ के काम नहीं करेगा। तो वो किसान कहता है चलो मैं तेरे को मेहनताना दे देता हूँ। वो कहता है उसको 3 कॉपर कॉइन्स यानी 3 तांबे के सिक्के देता है। वो लड़का लेकर चला जाता है। वो जब रात को सोता है और दिन को जब उठता है, तो उसके सामने एक भिखारी आता है। वो उसे सिक्कों की मांग करता है, वो भिखारी को सिक्के दे देता है। लेकिन जैसे वो सिक्के दे देता है, तो उसका जो भिखारी वाला भेस होता है वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, और उसके ऐसे भेस की जगह क्या आ जाता है, एक चांदी का वर्क किया हुआ एक चोगा उसके सामने आ जाता है। तो देवता कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है, इसलिए मैं मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी 2 इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। तो वो लड़का क्या मांगता है कि मुझे एक वायलिन चाहिए, सारंगी चाहिए जो सभी को नचा सके, और एक बंदूक चाहिए जिसमें निशाना लगा सकूं। तो जब ये डिमांड करता है, तो आगे से वो देवता जो बूढ़ा आदमी है वो क्या कहता है, लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड एट वंस फ्रॉम द बनीथ हिज क्लॉक ही ब्रॉट आउट अ वायलिन एंड गन। ही गेव देम टू द बॉय। मे दे ब्रिंग यू हैप्पीनेस दैट यू डिजर्व, ही सैट एंड डिसअपीयर्ड। वो बूढ़ा आदमी जो देवता होता है, देवते के रूप में, वो तुरंत क्या करता है, उसका जो चोगा होता है, क्लोक होता है, उसके नीचे से वायलिन और गाने निकालता है और उसको लड़के को दे देता है, और साथ में उसको आशीर्वाद देता है। क्या कहता है कि ये तुम्हारे लिए खुशी लेकर आए जिसके तुम काबिल हो। इतना कहते हुए वो क्या करता है, वहाँ से गायब हो जाता है, चला जाता है। The boy made his way back towards the farm where he had worked for 3 long years for 3 copper coins, and just as went near the gate, the bird flew up from a field. At once boy aimed at it with his magic gun and of course hit the bird. As the bird fell, the farmer came out of the house and went to pick it up. लड़का वो क्या करता है, जब उसको आशीर्वाद देके वो देवता गायब हो जाता है, लड़का उसी रास्ते पर वापस चल पड़ता है। वो वहाँ जाता है जहाँ उसने 3 साल लगातार मेहनत की थी और वो सिक्के कमाए थे। कहाँ, उसी फार्म हाउस, उसी किसान के पास। और वो जब जैसे ही वो गेट के नज़दीक पहुँचता है, उसके दरवाजे के नज़दीक पहुँचता है फार्म हाउस के, एक खेत में से एक पंछी उड़कर आता है। लड़का क्या करता है, एकदम निस्संदेह उस पर निशाना लगा देता है।
जब निशाना लग जाए तो पंछी क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही आवाज़ सुन के जो किसान अब बाहर आता है और पक्षी को उठाने के लिए जाता है और कहता है दैट्स माइन, ही शाउटेड, चिल्लाता है कि ये मेरा है। सडनली, निश्चित ही, आंसर द बॉय, लड़का कहता है निश्चित ही तुम्हारा है, लेकिन व्हाट यू मे ओनली हैव इट बाय डांसिंग, पर तुम इसे डांस कर कर, नाच कर इसे हासिल कर सकते हो। आई विल हैव नन ऑफ योर यूडनेस यू रास्कल, शाउटेड द फार्मर, बट बिफोर ही कुड रीच द बर्ड द बॉय बिगैन टू प्ले ऑन हिज वायलिन एंड फार्मर हैड टू डांस, ही डांस्ड, द बॉय वुड नॉट स्टॉपिंग प्लेइंग। जो वो लड़का कहता है अभी तुम्हें इसे नाचकर हासिल करना पड़ेगा, तो किसान उस पर कहता दुष्ट, मैं तेरी कोई भी गुस्ताखी सहर नहीं करूँगा, वो चिल्लाया। पर इससे पहले कि वो पक्षी को उठा सकता, उसने वो सारंगी बजाना शुरू कर दिया, किसान को नाचना पड़ा, वो नाचता रहा और लड़का स्टॉप नहीं हुआ, बजाने से नहीं रुका। स्टॉप, शाउटेड द टायर फार्मर, स्टॉप, ओ प्लीज स्टॉप, आई विल गिव यू 1000 pieces ऑफ सिल्वर इफ यू ओनली स्टॉप। कहता रुको रुको रुको, किसान ने कहा रुको, ओ प्लीज़ रुको, कृपया रुको, मैं तुम्हें 1000 चांदी के pieces दूंगा, टुकड़े दूंगा, इफ़ यू ओनली स्टॉप, जेकर तुम रुक जाओगे। लेट अस गो एंड फैच दैम फर्स्ट, सेट द बॉय, लड़का कहने लगा आओ पहले चलो लेके आते हैं, बाद में देखेंगे। सो स्टिल डांसिंग द फार्मर वेंट इन टू हिज हाउस एंड टुक द सिल्वर क्वाइन एंड द बॉय प्लेड ऑन एंड ऑन, इट वॉज ओनली वैन द फार्मर हेल्ड आउट द 1000 pieces ऑफ सिल्वर टू द बॉय दैट स्टॉप्ड प्लेइंग द वायलिन। इसलिए अभी भी नाचता हुआ जो किसान था, क्या था वो, घर के अंदर गया नाचते हुए, उसने रुका नहीं वो जाने से वायलिन, तो वो किसान नाचता रहा, वो अंदर जाता है और उस फट्टे से वो सिक्के निकालता है, एक फट्टे से जहाँ उसने फर्श के नीचे रखे हुए थे, और लड़का वो बजाता रहता है। वो तब बजाना बंद करता है जब तक किसान उसके सामने वो सिक्के नहीं रख देता। देन ही वेंट ऑन हिज वे, बट द फार्मर रैन बिफोर हिम इन टू द विलेज एंड टोल्ड द पुलिस दैट द बॉय वाज अ थीफ। जब लड़का सिक्के ले लेता है तो वो अपने रास्ते पर चल देता है, लेकिन किसान क्या करता है, वो लड़के से पहले ही गांव में चला जाता है और पुलिस को बता देता है भी लड़का एक चोर है। द मैजिस्ट्रेट सेंट आउट द पुलिस एंड दे सून कॉट द बॉय विद 1000 pieces ऑफ सिल्वर दैट फार्मर सेट ही हैड स्टोलन। मैजिस्ट्रेट क्या करता है, पुलिस वालों को भेज देता है उसको पकड़ने के लिए। वो लड़के को पकड़ लेते हैं सिक्कों के साथ जो फार्मर ने कहा था उसके चुराए हैं। इन दोज डेज इन सिसली द पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग वाज डेथ, इट सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर सच अ पुअर बॉय टू हैव सच ए लार्ज सम ऑफ मनी, सो ही वाज सेंटेंस्ड टू बी हैंग्ड एट वंस। उन दिनों में सिसली में चोरी की सज़ा के लिए क्या था, मौत की सज़ा दी जाती थी। ऐसे लड़के के, ऐसे गरीब लड़के के पास ऐसा इतना पैसा होना, इतनी रकम होना एक असंभव सी बात जापती लगती थी, इसीलिए उसे जल्दी फांसी की सज़ा दी गई, सुनाई गई। तो क्या करता है वो, वो लड़का जब उसे फांसी की सज़ा दी जाने लगती है तो जज को क्या कहता है, द बॉय आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू लेट हिम प्ले द वायलिन बिफोर ही वॉज हैंग्ड, द किंग मैजिस्ट्रेट अलाउड हिम टू डू सो, काइंड मैजिस्ट्रेट। लड़का जज को रिक्वेस्ट करता है कि उसको सारंगी बजानी है, तो जज बड़ा दयावान होता है, उसको बजाने की आज्ञा देता है। फार्मर क्राइड आउट इन अलार्म व्हेन ही सॉ द हैंगमैन गिव द वायलिन बैक टू द बॉय एंड शाउटेड टू द मैजिस्ट्रेट
ही मस्ट नॉट प्ले ओ डोंट लेट हिम प्ले बट द मैजिस्ट्रेट ओनली स्माइल एंड सेड। जब वो किसान, जब जज उसको आज्ञा दे देता है भी इसको बजा सारंगी ला कर दो, उसे बजाना है, आज्ञा दे देता है, तो किसान चला उड़ता है डर से। जब देखता है कि जल्लाद उसे हैंगमैन फांसी देने वाला उसको वो सारंगी और उसकी ला कर दे रहा है, तो वो चला उठता है कि उसे मत बजाने दो, उसे मत बजाने दो। लेकिन जज मुस्कराता है और कहता है इट्स कैन डू नो हर्म, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेट द पुअर लैड प्ले द वायलिन फॉर फ्यू मिनट्स, इस बेचारे लड़कों को कुछ पलों के लिए, कुछ मिनट के लिए बजा लेने दो। ही इज़ टू यंग टू डाई, छोटा सा लड़का है जो मरने जा रहा है। सो द बॉय बिगैन टू प्ले द वायलिन एट वंस मैजिस्ट्रेट हैंगमैन एंड द फार्मर एंड ऑल द पीपल हु वर गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस टू सी द पुअर बॉय हैंग्ड बिगैन टू रंस। जो वो लड़का बजाने शुरू करता है तो जज, हैंगमैन, किसान और जो लोग मार्केट प्लेस उस जगह में, मार्केट प्लेस में जो लड़के को फांसी लगते हुए देखने के लिए आए थे, वहाँ इकट्ठे हुए थे, वो सभी नाचना शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि वो वायलेंट जादू की थी। जब वो बजाना शुरू किया तो सभी वहाँ थे, वो नाचने लग गए। दे डांस्ड एंड डांस्ड एंड वाइल द बॉय प्लेड दे कुड नॉट स्टॉप डांसिंग, वो नाचते रहे नाचते रहे, जबकि लड़का बजाता रहा लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। ओ ओ ओ द मैजिस्ट्रेट क्राइड आई कैन नॉट गो ऑन, आई कैन नॉट बट ही हैड टू डांस बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप। इतने में जज क्या कहने लगा, ओ ओ मैं और नहीं नाच सकता, लेकिन वो रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे नाचता ही था, क्योंकि वो रुक नहीं सकता था, लड़का बजा रहा था। मेक हिम स्टॉप क्राइड द फार्मर, मेक हिम स्टॉप, ही कैन हैव माय 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर इफ ही स्टॉप्स, मेक हिम स्टॉप, उसे रुकवाओ, मेक क्राइड द फार्मर, किसान चिल्लाया उसे रुकवाओ, अगर वो रुकता है तो वो मेरे से 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर के 1000 पीसेस ले सकता है, यानी कि 1000 चांदी के सिक्के ले सकता है। आई शल डाई क्राइड द हैंगमैन, आई कैन डांस नो मोर, मेक हिम स्टॉप। तो हैंगमैन भी जला उठा, कहता भी मैं मर जाऊंगा इसके रोको, मैं और नहीं नाच सकता। But the boy played on and the magistrate and the hangman and the farmer looked like a dead people dancing. लेकिन लड़के ने किसी की बात नहीं सुनी, वो बजाता ही रहा। जज और हैंगमैन और फार्मर ऐसे लग रहा था जैसे कोई डेड आदमी डांस कर रहे हो, जैसे कि मरे हुए लोग डांस कर रहे हों। फॉर दे हैड नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन दैम, क्योंकि उनके पास ताकत ही नहीं बची नाचने के लिए, कि बहुत नाच कर लड़का बजाते चला जा रहा था। बट दे कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। एट लास्ट मैजिस्ट्रेट क्राइड स्टॉप बॉय स्टॉप यू शैल फ्री, द फार्मर गिव्स यू द 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अंत में जज क्या कहता है, लड़के तुम रुक जाओ, तुम्हें मैं आज़ाद कर दूंगा और तुम्हें किसान जो चांदी के 1000 सिक्के देगा और मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। वेरी वेल सेड द बॉय, कहता बहुत अच्छा, टेल द हैंगमैन टू फैच माई सिल्वर पीसेस एंड आई विल गो। हैंगमैन जलाद को कहो कि मेरे वो सिक्के लेकर आए, फिर मैं रुक जाऊंगा, वो लड़का कहता। सो द हैंगमैन डांस्ड अवे टू द कोर्ट हाउस वेयर ही सिल्वर एंड द गन वर कैप्ट। ही रिटर्न विद द बॉय थिंक्स इन हिज हैंड द बॉय सेट। सो इसलिए जो अपना हैंगमैन था वो नाचता हुआ कोर्ट हाउस में गया और वहाँ गया जहाँ सिक्के रखे हुए थे, वो सिक्कों के साथ वापस आया। उसने द बॉय सेट टाई द गन टू माई बेल्ट एंड पुट द मनी इन माई पॉकेट Because I trust no one anymore. तो लड़का कहने लगा क्या करो, जो पैसे है
मेरी पॉकेट में डाल दो, और गन है क्या है वो मेरी पेटी के साथ बांध दो। मैं अब मुझे किसी पर यकीन नहीं है। आई शैल नॉट स्टॉप प्लेइंग अंटिल आई रीच दैट अंटिल आई हैव दैट विच माई ओन एंड आई एम टू फार अवे। आई एम टू फार अवे। लड़का कहने लगा कि बंदूक मेरी पेटी से बांध दो और मेरी पॉकेट में पैसे मेरी पॉकेट में डाल दो सिक्के, और मैं तब तक बजाता रहूँगा जब तक मैं दूर ना चला जाऊँ कि तुम मुझे पकड़ ना सको। वैन द गन वॉज टाइट हिज बेल्ट एंड मनी वॉज इन हिज पॉकेट ही बिगैन टू वॉक अवे, बट ही स्टिल प्लेड ऑन द वायलिन बिकॉज ही वुड नॉट ट्रस्ट देम। जब गन बंदूक थी उसकी पेटी के साथ बांध दी गई और पैसे उसकी पॉकेट में थे तो उसने चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो अभी भी जा रहा था क्योंकि उसके किसी पर यकीन नहीं था, उन पर यकीन नहीं था। द फार्मर एट द मैजिस्ट्रेट एंड हैंगमैन केप्ट ऑन डांसिंग इन द मार्केट प्लेस अंटिल द साउंड ऑफ द वायलिन हैड डाइड इन द डिस्टेंस। किसान वो जज वो हैंगमैन तब तक नाचते रहे, उन्होंने नाचना जारी रखा जब तक उनको आवाज़ दूर से सुनाई ना देने लगी, जब तक बंद ना हो गई आवाज़ सुनाई देनी। देन दे फेल्ट ऑन ग्राउंड बिकॉज दे वर ऑल वेरी टायर्ड, फेल ऑन ग्राउंड। अंत में जब आवाज़ उनको सुनाई देनी बंद हो गई वायलिन की तो वो सभी ज़मीन पर गिर गए। बट द बॉय वेंट ऑन फाइंडिंग हिज फॉर्चून विद वायलिन अंडर हिज आर्म। लड़का बंदूक और वायलिन लेके अपनी किस्मत को तलाश करता रहा। हिज गन ऑन बैक एंड 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर कॉइन इन हिज पॉकेट। लड़का क्या था, लड़का वो अपनी किस्मत तलाश करता रहा, किसके साथ, वायलिन के साथ, अपने आर्म के नीचे, और गन अपनी बैग पे नीचे। वो गन और बंदूक उठाए अपनी किस्मत की तलाश करता रहा, और उस सिक्कों के साथ जो उनकी जेब में। दैट्स ऑल। रीड द स्टोरी केयरफुली अगेन दैट आंसर द क्वेश्चन दैट आर गिवन इन योर बुक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।